किसान मित्रों नमस्कार, रत्न खेती वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये है अरंडी के फसल अवशेष। हमारी फसल पूरी हो गई है और केवल अरंडी के फसल अवशेष भी खेत में खड़े। बहुत से किसान सही जानकारी के अभाव में इन फसल अवशेषों को काट कर जला कर नष्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों इन फसल अवशेषों में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि कमज़ोर से कमज़ोर ज़मीन को ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। इन फसल अवशेषों में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि बिना गोबर की खाद के भी आप अपनी ज़मीन को अपने खेत को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इनके महत्व और फायदों को विस्तार से, क्योंकि अगर इनके महत्व और फायदे हमें पता होंगे तो हम इनको जलाएंगे नहीं और इनका सही से उपयोग करेंगे अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाने में। उत्पादन क्षमता में वृद्धि। दोस्तों जब हम इन फसल अवशेषों को हमारे खेत में हमारी मिट्टी में मिलाते हैं तो इससे खेत में कार्बनिक पदार्थ की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है तथा मिट्टी में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस, इन तीनों की मात्रा हमारी मिट्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मुख्य पोषक तत्व NPK की मात्रा बढ़ने से खेत की उपजाऊ क्षमता बहुत ही ज़्यादा बहुत हद तक बढ़ जाती है। हमारा खेत बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है केवल फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण। दोस्तों जब हमारे खेत में जैसे अरंडी की फसल लगाती है तो खेत में की मिट्टी में जो मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं NPK, नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस, वो ये पौधा ग्रहण कर लेता है, ठीक है, और इसके जो अवशेष है जो इसका जो भी भाग है उसके अंदर ये समाहित हो जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं। जब हम इन अवशेषों को वापस मिट्टी में मिलाते हैं तो इन अवशेषों के अंदर जो मुख्य पोषक तत्व महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और जो मिट्टी में हमारे मुख्य पोषक तत्वों की कमी हुई है, NPK की जो कमी हुई है, उनकी पूर्ति स्वयं ये फसल अवशेष कर देते हैं। इस प्रकार जो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण है वो चलता रहता है केवल फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से, ज़मीन में मिलाने से। और दोस्तों इस प्रकार फ्री में हमारी मिट्टी में जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है उनकी पूर्ति केवल फसल अवशेष से हो जाती है और ये एक साइकिल बन जाता है जो लगातार चलता रहता है अगर हम फसल अवशेषों को हमारी मिट्टी में लगातार मिलाते हैं। जल धारण क्षमता में वृद्धि। दोस्तों जब हम हमारे खेत में इन फसल अवशेषों को मिलाते हैं तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, मिट्टी की जो पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण गुण है जो हमारी मिट्टी में पाया जाता है। जिस मिट्टी की जितनी ज़्यादा जल धारण क्षमता होगी वह मिट्टी उतना ही ज़्यादा उत्पादन देगी। मिट्टी की कठोरता में कमी। दोस्तों फसल अवशेष को जब हम ज़मीन में मिलाते हैं तो इससे हमारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जिस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, ज़्यादा होती है, वह मिट्टी ज़्यादा कठोर नहीं रहती, वह मिट्टी बहुत कोमल रहती है, नरम रहती है, भुरभुरी रहती है। इसका फ़ायदा हमें तब मिलता है जब हम सूखे खेत में कल्टी चलाते हैं या फिर MB प्लाव या डिस प्लाव से जुताई करते हैं तो उस खेत में ज़्यादा मिट्टी के ढेले बड़े ना बनके मिट्टी बिखर जाती है, बारीक मिट्टी हो जाती है। और अगर मिट्टी हमारी नरम रहेगी तो वह मिट्टी उत्पादन भी ज़्यादा देगी। वायु संचार में वृद्धि। दोस्तों यह मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी गुण है। जिस मिट्टी में जितना ज़्यादा वायु संचार होगा, जिस मिट्टी में वायु संचरण जितना ज़्यादा होगा उस मिट्टी में जब हम पौधे लगाएंगे तो उन पौधों की जड़ का विकास बहुत ज़्यादा होगा। ज़्यादा वायु संचरण मतलब पौधे की जड़ों का विकास बहुत ज़्यादा, और अगर पौधे की जड़ों का विकास बढ़िया होगा तो पौधे का विकास अल्टीमेटली ज़्यादा होना ही होना है। पौधे का विकास बहुत बढ़िया होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और पौधा अगर ज़्यादा विकास करेगा तो वह पौधा उत्पादन भी ज़्यादा देकर जाएगा। इस प्रकार ये फसल अवशेष जिनको हम फालतू की चीज़ मानते हैं, कचरा मानते हैं, वेस्ट मानते और इनको जला देते, ये हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य सुधार का काम करते हैं तथा फ्री में मिट्टी में जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति कर देते हैं और बिना गोबर की खाद के हमारे मिट्टी को सुधारने का काम करते हैं केवल फसल अवशेष। दोस्तों बहुत से किसान हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जो जागरूक किसान हैं, वो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं और इनको ज़मीनें मिला देते हैं और हर साल एक ही खेत में लगातार तीन चार साल से अरंडी की फसल एक ही खेत में ले रहे हैं केवल इन फसल अवशेषों के बदौलत, बिना गोबर की खाद के। और मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा इतना फ़ायदा आपके खेत को ये फसल अवशेष पहुँचा सकते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करिए अपनी खेती में, अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाइए। इनका प्रबंधन कैसे करना है, इनको मिट्टी में कैसे मिलाना है, कैसे जल्दी ये सड़ेंगे, इसका जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है।
तो आप हमारे चैनल पर बने रहे। अगर दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब करें।